SBS News, सच का साथी। आज जो बंदी हुई है बच्चे की, क्या है पूरा मामला पहले बता दीजिए, फिर उसके बाद क्या है? ये गुड वर्क किया गया लखनऊ पुलिस द्वारा, जिसमें एक अपहरित बच्चे जिसका नाम है जैन पुत्र खलील अब्बास, इसका अपहरण 24 अक्टूबर को हो गया था। उपरोक्त बच्चे को सकुशल हम लोगों ने बरामद किया है और उसको उसके परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। पूरा वाकया ये है कि 24 तारीख को जो एक अभियुक्त है यामीन, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, ये अपहरित बच्चे के जो पिता हैं खलील, इनके साथ पूर्व से कार्य करता था और कहीं जब उसने अपना मकान शिफ्ट किया तो कुछ सामान इनके पास रखवाया था। इसका ये आरोप था यामीन की बात बता करके, बच्चे को ये कह करके देखे कि उसको दरगाह घुमाने ले जा रहा है और उसके बाद बच्चे को एक तरह से अपहरण कर लिया। पूरे मामले का पुलिस में जब मुकदमा लिखा गया तो ये अंतर्गत धारा 364 IPC क्राइम नंबर 336/18 पर दर्ज हुआ। इस पूरे घटना में पुलिस की टीमें गठित की गई, जिसमें SP वेस्ट 150 लाख का, जैसे वो बताते हैं, जो सामान जिसको वो बता रहा है कि उसको नहीं मिला है, उसका उसको लेकर के उसका ये था कि किसी तरह से वो उसको मिले। बस अड्डा इन सब पर भी कई जगह पैम्पलेट वगैरह भी लगाए गए, इसका प्रसारण किया गया, सोशल मीडिया में भी प्रसारण हुआ। अंत में ये बात पता चली कि जो अभियुक्त है ये बच्चे को एक कल्लू का ढाबा है जो लखीमपुर खीड़ी की चौकी खमरिया अंतर्गत पड़ता है, जसवंत नगर एरिया में, वहाँ पर उसने इसको ढाबे पर रखा था और जब पुलिस की टीमें वहाँ पर पहुँची थी तो वो ढाबे पर बच्चे को छोड़कर कहीं भाग गया। उसके बाद जो हमारी वहाँ पर जो मुखबिर थे उन्होंने खबर दी कि बच्चे को वहीं के पास के अनाथालय में जो है वहाँ पर बच्चे को भेजा गया है, तो फिर हमारी टीम यहाँ से रवाना हुई और बच्चे को सकुशल वापस लाया गया। अब बच्चे को प्राप्त करके परिजनों में काफ़ी खुशी का माहौल है और वो इस बात से काफ़ी खुश हैं। सर, इसमें चुनौती या किसी तरीके